गैस ए ऑल्सो टर्न्स लेड एसिडेड पेपर ब्लैक। वेन गैस ए इज पास इन टू गैस बी एन एक्वस सोल्यूशन, इन एक्वस सोल्यूशन येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी अपियर्स। आइडेंटिफाई गैस, ये तो बहुत ईजी है, आइडेंटिफाई गैस ए एंड बी एंड एक्सप्लेन द रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्वस सोल्यूशन, ये एक्वस है सही ना, एक्वस है ये। एन एक्वस ब्लू कलर्ड सोल्यूशन ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल सल्फेट रिएक्ट्स विद H2S इन एसिडिक मीडियम टू गिव ए ब्लैक प्रेसिपिटेट ए विच इज इनसॉल्युबल इन वार्म एक्वस सोल्यूशन ऑफ KOH। द ब्लू सोल्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विद वीकली एसिडिक KI टर्न्स येलो एंड प्रोड्यूस ए वाइट PPT बी। ये भी इजी है, ये भी इसकी रिएक्शन सारी करा।
हाँ गर्व हो गए क्या? यस सर, हो तो भाई। गर्व सिंगल से हो गए हैं, गर्व मंगला हिमांग विधि नहीं हुए, दोनों को ही करते थे यस करते थे। सर, एक मतलब ऊपर वाले का बी वाला बच रहा है। अच्छा चलो देखते हैं, अगर जितने क्वेश्चन कराए ना को दो या तीन बार नहीं हो रहे, दो तीन बार रिपीट कर लेना जरूरी है। इजी क्वेश्चन है, जरूर होने चाहिए। जो टफ वाले क्वेश्चन है ना सॉल्ट एनालिसिस से पढ़ लोगे तो टफ वाले कराऊंगा, टफ वाले करोगे तो मजा आ जाएगा उसमें। क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में चैलेंज होगा उसमें, और असाइनमेंट अगर मैं बोलूँ उसके अंदर तो शायद असाइनमेंट ए और बी ऑर्गेनिक की है, सी डी ई वो इनऑर्गेनिक की है तीनों। गैस ए एंड गैस बी बोथ टर्न्स पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर ग्रीन, गैस ए ऑल्सो टर्न्स लेड एसिडेट पेपर ब्लैक। देखो गैस, मैंने तुम्हें कहा के टू सी आर टू सेवन से कभी भी कोई रिएक्शन आएगी किसी गैस की तो वो या तो एच टू एस होगी या एस ओ टू होगी, इसके अलावा ना आती नहीं है, मतलब एन एस थ्री भी नहीं आती कभी, यही तो आएंगी गैसेस हमेशा। के टू सी आर टू सेवन एच प्लस के रिएक्शन कभी आती है ना तो एच टू एस और एस ओ टू की आएगी, गैस अगर लिखा हुआ तो यही गैसेस होंगी हमेशा। सही है, देखो इसकी पहचान क्या है कि आगे येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी जरूर लिखा होगा, और इसमें कलरलेस अगर आएगा, इसमें कलरलेस आएगा। हाँ पोटेशियम डाइक्रोमेट तो ग्रीन कलर में जाएगा जाएगा। अब इसे बोला गैस ए ऑल्सो टर्न्स लेड एसिडेट पेपर ब्लैक, तो यहाँ तो कंफर्म हो गया ना कि एच टू एस है। एच टू एस गैस जब लेड एसिडेट पेपर से पास करते हैं तो पीबीएस ब्लैक कलर का प्रेसिपिट देगा कि नहीं, क्लियर है कि नहीं है? यस सर। यस और इसने बोला गैस ए एंड गैस बी बोथ टर्न्स बोल दिया, इसका मतलब गैस ए हमारी एच टू एस है और गैस बी कौन सी होगी एस ओ टू, गैस बी कौन सी होगी एस ओ टू। और व्हेन गैस ए इज पास इनटू गैस बी, ये तुम्हें बता रखा है दो सल्फर की गैसेस मिल्क मिक्स होती हैं तो येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी एस, येलोइश एस की माइनस टू स्टेट बढ़ गई, एस की प्लस फोर स्टेट कम हो गई, कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाती है। सही ना, माइनस टू प्लस फोर कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, एच टू एस मिलेगा और साथ में एच टू, येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी आ गई इसकी। समझ आ गई सारी रिएक्शंस की? नहीं, यस सर। जिसने किया हुआ ना ढंग से, एक एक लाइन ढंग से सुनी है नॉर्मल के अंदर, उसको सही लगेगा कि हाँ ये इजी क्वेश्चन है सारे। ये रिएक्शन मैंने कहाँ कराई है, जब मैंने के टू सी आर टू सेवन के मेनो फोर की रिएक्शन कराई थी, 11 11 रिएक्शन दोनों की और दो स्पेशल रिएक्शन एल्कलाइन के मेनो फोर की, आई माइनस जाता है आयोडेट्स के अंदर, थायो सल्फेट जाता है सल्फेट के अंदर, तब बताया वो ये दो सल्फर की गैसेस मिलेंगी तो कोलाइडल सोल्यूशन मिलेगी सल्फर की, येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी लिखा होगा या व्हाइट टर्बिडिटी लिखा होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया क्या? ये हुआ किसी से हुआ था क्या? थर्टी नाइन यस क्वेश्चन सर, हो गया यस था, हो हो गया था। गया चलो गौर से किसके लिए हैंड करना हुआ जिससे हो गया रहे क्वेश्चन। ये हो गया था विधि से, शिवम से, हिमांग से, गर सिंगल से हो गया, गर मंगला नहीं सर। पूरा नहीं हुआ था। हुआ। चलो लेकिन गर मेरी एक एक बात नोट कर लियो, जो मैं बात बोल रहा हूँ कि ना जैसे के टू सी आर टू सेवन से कोई भी गैस अगर रिएक्ट कर रही है तो 99% वो कौन सी गैस होगी, एच टू एस या एस ओ टू, समझ गया कि नहीं? H2SO2, यस सर। और दो सल्फर की गैसेज मिलती हैं तो सल्फर की व्हाइट टर्बिडिटी, कोलाइडल सोल भी बोल सकते हैं इसको। ये बातें नोट करते रहो कि यही चीज आएगी पेपर में, ऐसे ही आएंगे क्वेश्चंस। अब एनएक्वस ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल सल्फेट, ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन बोलते ही ट्रांजिशन मेटल सल्फेट बोलते ही कॉपर कौन सी सल्फेट, सॉल्यूशन काम कर रही है? कॉपर कॉपर सल्फेट, सल्फेट। कॉपर सल्फेट इसी इमीडिएटली दिमाग में आता है, कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद एच टू एस इन एसिडिक मीडियम, एच टू एस इन एसिडिक मीडियम टू गिव ए ब्लैक प्रेसिपिटेट ए, ब्लैक प्रेसिपिटेट ए क्या होगा, सी यू एस क्यूप्रिक सल्फाइड विच इज इनसॉल्युबल इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ के एच, इनसॉल्युबल है एक्वस के एच के अंदर, द ब्लू सोल्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विद वीकली एसिडिक के आई, इसकी रिएक्शन बता रखिए ना,
बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, I माइनस रिफ्रिजरेंट कॉपर 2 प्लस CO2 प्लस ऑक्सीजन, एन सी ओ टू आई टू प्लस आई टू बन जाएगा। हाँ CU2I2I2, CUI भी कह सकते हैं इसको, CU2I2 और I2, और कई बार I2 नहीं लिखेगा, I2 में एक्सेस किया ही चला जाता है और येलो कलर की सॉल्यूशन बन जाती है, I2 इज सॉल्युबल इन KI, कई बार ये बोल देगा येलो कलर की सॉल्यूशन मिल रही है I2 को, तो ये वाइट PPT है, ये रिएक्शन नोट कर लेना, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, I2 डिजॉल्व इन KI नॉट इन वाटर, फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स I3-, क्यों बन रहा है, I- के लोन पेयर, I के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, इसके पास चले जाएंगे, Y3- बन जाएगा, ये किसका सही हुआ है, शिवम का सही हुआ है। इसमें कौन सी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत मतलब तुम IIT के पेपर चेक करोगे ना, कम से कम भी नहीं तो 10 बार रिएक्शन आई हुई ये वाली, CuSO4+ KI, CuSO4+ KI क्या मिलेगा, CU2I2 और I2, I2 को कई बार KI3 भी लिख देते हैं, I2 को कई बार KI3 भी लिख देंगे, क्लियर है कि नहीं ये, यस सर, सही यस सर, सही था मेरा भी। है। चलो अब नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये देख लो 31, ये सबसे हो जाएगा इजी है, 32 जो है, चलो 31 32 दोनों कर लो, दो क्वेश्चन करो, लास्ट दो है 31 और 32, कर दोनों हो गए क्या, गर्व सर वो पहले हैंड रेज हुआ था, सेकंड वाला तो हो गया, पहले वाला नहीं हुआ। अच्छा, पहले वाला क्या है, पहले वाला अगर, ये तो इजी है, प्रिपरेशन है डायरेक्ट, सर यही याद नहीं आ रहा, बस 32 मतलब 32 तो हो गया, 31 में याद नहीं आ रहा क्या था। ये NH4Cl है, पता करा ना, ऑन रिएक्शन विद NH4Cl, हाँ सर वो तो सही पता चला। NH4Cl है ये हिंट भी दे रखा है, NH4Cl से हीट करने पर ऑरेंज डी मिलेगा, विच ऑन हीटिंग इज बैक ए,
हाँ कर लिया। सर एक मिनट बस, सर हो गया। हाँ कर लिए। यस सर। चलो देखेंगे आंसर। पहले का आंसर बोलना किसी को। बोलेंगे इसका आंसर। ग्रीन कलर कंपाउंड ए ऑन फ्यूजन विद अल्कली। सर Ci2O3। हाँ Cr2O3 तो आएगा। प्रिपरेशन नहीं है K2Cr27 की। FeO.Cr2O3 होता था उसमें। FeO तो इम्प्योरिटी थी ना। याद आ गया कि नहीं। यस Cr2O3 अल्कली NaOH। क्या मिलता था? Na2Cr4। Na2Cr4, और एसिडिफिकेशन करते थे इसका तो क्या मिल जाता था? Na2Cr2O7। Na2Cr2O7। अब इसमें NH4Cl डाल दिया तो NH4 होल ट्वाइस क्रोमाइट Cr2O7। याद आ गया ना वोल्केनिक कंपाउंड। यस रिएक्शन वोल्केनिक होती है। हल्का सा गर्म करेंगे तो कलरलेस गैस N2। ग्रीन कंपाउंड Cr2O3 विच रिजेंबल्स ग्रीन टी। याद आ गया। प्लस H2O के वेपर्स। ये वॉल्केनिक रिएक्शन होती थी। ऐसे ये रिएक्शन होती थी और साथ में ये ग्रीन कलर के ये ऐसे वॉल्केनिक रिएक्शन। जब रिएक्शन होती है ऐसे वॉल्केनिक रिएक्शन होती है। ये पूरा एक एक्सप्लोजन सा होता है ग्रीन कलर का। इसकी वजह से Cr2O3 की वजह से वाटर के वेपर्स आ रहे हैं ना। वाटर के वेपर्स हैं और साथ में वो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं ऐसे। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछी IIT में तो इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ पे तो ये आ जाएगा। अब ये तो हो गया सॉल्व ना। ये गिव्स बैक ए बताई दिया इसने। Cr2O3 हो गया ना ये पूरा। यस सर। यहाँ तक तो प्रिपरेशन ही है पूरी। यहाँ तक तो पूरी प्रिपरेशन ही। नोट कर लिया पूरी रिएक्शंस। ऑरेंज कलर का डाइक्रोमेट आयंस ऑरेंज कलर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कर लिया है। यस सर, हाँ ये भी क्रोमाइट फ्लोराइड टेस्ट की तरह है। क्रोमाइक्रोवेव टेस्ट वाला है। क्रोमाइक्रोवेव टेस्ट है पूरा ही। व्हेन एन ऑरेंज कलर कंपाउंड ए इज हीटेड विद कॉमन सॉल्ट। ऑरेंज कलर कंपाउंड दिख गया सीधा कॉमन सॉल्ट दिख गया तो क्रोमाइक्रोवेव टेस्ट आ गया। K2Cr2O7। NaCl डाला होगा इसने। कॉमन सॉल्ट कंसंट्रेशन 4 है तो पूरा क्रोमाइक्रोवेव टेस्ट है। बस ये सॉलिड फॉर्म में होता है ध्यान रखना। ये सॉलिड ये भी सॉलिड तो इससे आ जाता है Cr2Cl2। रेडिश ब्राउन वेपर्स। रेडिश ब्राउन वेपर जैसे रेड कलर गैस भी बोल दिया। ये भी है ऑन पासिंग NaOH। क्या दे देगा? Na2Cr4 येलो सॉल्यूशन। ये सी है येलो सॉल्यूशन सी। द सॉल्ट द सॉल्यूशन ऑन रिएक्टिंग विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लेड एसीटेट। लेड एसीटेट एसिटिक एसिड में डालते थे। क्या बनता था इसमें? PbCr4। PbCr4। पूरा टेस्ट है ये तो। PbCr4 अब ये बन गया येलो PPT। येलो PPT आ जाएगा यहाँ पे। ये येलो PPT आ गया। उसके बाद क्या है? फिर व्हेन H2O2 इज एडेड टू एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ ए। ए के साथ H2O2 डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2O4 कह लो तो क्या मिल जाता है? क्या मिल जाता है? Cr5 ब्लू परोक्सो कंपाउंड। ब्लू परोक्सो कंपाउंड विच इज स्टेबल इन एमाइल एल्कोहल। याद आ गया कि नहीं? IIT ने बहुत बार पूछा हुआ है स्टेबल इन एमाइल एल्कोहल। और क्रोमियम की स्टेट यहाँ पे +6 बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। साथ में K2SO4। साथ में K2SO4। समझ गया कि नहीं? ये यस सर, पूरी रिएक्शन बहुत ये सारे रिएक्शन जो करे ना आज ये बहुत कॉमन थे। दोनों सही हुए किसी के? क्या यस सर, सही है। सही है? पूछे था 32 तक हो गए ना तो इसमें हमने 7-8 क्वेश्चन कर लिए आज ना। फिर ऐसे ही कल मैं करा दूंगा 7-8 क्वेश्चन और। ये इजी वाले लेवल पे हैं। ये इजी लेवल पे हैं। ये हो जाने चाहिए क्वेश्चन। उसके बाद फिर टफ वाले में बाद में कराऊंगा ताकि वो IIT के समय याद एडवांस के समय याद रहे। यहाँ तक तो कर लेना जरूर। अभी यहाँ तक रिवाइज कर लेना।